अंडर पावर का कोई सीन ही नहीं है। फरारी तो नहीं है मगर चलो काइगर ही सही। और क्विड ऑन स्टेरॉइड्स ये क्या हुआ? ये एक्चुअली में ये सीखने की गलती नहीं है, इसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंट। तो हुआ क्या कि मैं मेरे को लगा कि मेरे को बहुत अच्छी चलानी आ गई है, तो मेरे जहाँ पे पार्किंग है उसके बराबर में पिलर है, तो मैं सोच रहा था एकदम काट के वहीं पे खड़ी करूँगा। एक्चुअली में मैं ना इतना गैप छोड़ता हूँ, तो उस दिन शायद इतना भी नहीं छूटा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सो आज हमारे बीच में है टाइगर और वेलकम टू आवर चैनल। इसको कब परचेज किया? मैंने आज से 7 महीने पहले परचेज करा है। तो 7 महीने पहले मैंने परचेज किया और ये मैंने टॉप मॉडल परचेज किया है। प्राइसिंग मैंने इसको आप समझिए 9.3 में विद कंपनी फिटेड एक्सेस जो उस टाइम पे मैंने लगवाई थी उसके अकॉर्डिंगली मैंने 9.3 जैसे मैंने आपको बताया 9.3 में परचेज किए और टॉप मॉडल परचेज किए नोएडा उत्तर प्रदेश। तो टर्बो नहीं है, एन ए है और इसमें थोड़ा सा कोस्टिंग भी इम्प्रूव हो जाती है क्योंकि डुअल टोन है। डुअल टोन जो नॉर्मली जो प्राइस देखते हैं हम उसमें तो वहाँ पे तो मतलब 20,000 कम दिखाते हैं, बट डुअल टोन है तो उसके हिसाब से 20,000 इम्प्रूव हो जाते हैं। आपने बोला कि 9+ लाख रुपीज आप इससे लगा चुके हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल थे आई थिंक, सो तो आपने टाइगर क्यों चूज किया? हाँ, उस टाइम मार्केट में जब मैंने परचेज करी उस टाइम मार्केट में कोई मारुति की सुजुकी और एक्सपी था, वेन्यू सोनेट थी और मैग्नाइट थी और पंच नहीं थी उस टाइम पे। और अभी वॉक्सिगन की टाइगर और फसराक आई है शायद उनका ये करते हैं, बट तो उस टाइम पे नहीं थी ये मार्केट में, वॉक्सिगन की नहीं थी और ये आपका स्कोडा की नहीं थी उस टाइम पे, तो यही ऑप्शन थे। तो मतलब मैं वेन्यू या फिर अगर आप बोलो सोनेट सेम ही हैं, सिस्टर कंपनीज हैं, और अगर मैं बात करूँ आपकी स्विफ्ट तो वो तो आउट ऑफ मतलब लुकिंग ही अलग हो जाती है। तो वही आजकल जैसे कॉम्पैक्ट एसयूवी का ज़माना चल रहा है तो कॉम्पैक्ट एसयूवी है, ऊपर से लुकिंग मेरे लिए तो लुकिंग ही मायने रखती है। उस टाइम मैग्नाइट भी, हाँ उस टाइम पे मैग्नाइट भी थी, बट एक्चुअली में मैं टाइगर वो टाटा की वो उनका था HBX नाम रखा हुआ था इन्होंने, तो मैं उसको फॉलो कर रहा था काफ़ी टाइम से, तो वो लॉन्च नहीं हुई थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे ये भी था कि इनका फाइनल ये वाला इनका डिज़ाइन आ चुका है, वो भी नहीं था। तो मतलब मैं वही फॉलो कर रहा था टाइम, काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था। देन मैग्नाइट लॉन्च हुई थी दिसंबर में 2020 में, मेरे को वो उसका प्राइस बहुत बढ़िया लगा मुझे मैग्नाइट का। देन फिर ये इन्होंने रेनॉल्ट ने रिवील कर दी टाइगर, तो वो जो मैं डिज़ाइन सोचता था टाटा में आएगा तो वो मुझे इसमें मिल गया। वो तो मैं फॉलो टाटा कर रहा था बट ये रेनॉल्ट ने पहले लॉन्च कर दी और डिज़ाइन मुझे इसका काफ़ी पसंद आया, तो मैंने ये फिर टाइगर ही मैंने मतलब चूज़ करी, मेनली मेरा डिज़ाइन है। हाँ जी, रेनो आज के टाइम पे मुझे लगता है इसका जो बुढ़ापा जिसे बोलते हैं ना वो अच्छा है, तो आपने रेनो की कार लेने से पहले सोचा नहीं है? हाँ जैसे मैं बताऊँ तो मैं फर्स्ट टाइम कार बायर हूँ और इससे पहले मेरे को एक्सपीरियंस भी नहीं है कार्स का ज़्यादा, मतलब मैंने तो सीखी भी सी पे है मैं बताऊँ तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे ये नॉलेज नहीं है जो अभी आपने मेरे को बताई कि मतलब इट इज़ ए ओल्ड कंपनी और बिट लाइक दैट। बट हाँ मैंने अपनी रिसर्च करी थी, उसके रिसर्च के हिसाब से मैंने देखा कि हाँ प्रॉफिट लॉस कंपनी का चलता रहता है, बट इट इज़ अलाइंड विद निसान एंड इन्होंने काफ़ी यूरोप में अगर देखेंगे तो इनकी इलेक्ट्रिक की काफ़ी सेल हो रही है। वो सारी बात ठीक है बट वो यूरोप की बात है, हाँ इंडिया में आई डोंट थिंक सो इतना रिलायबल है रेनो अभी करंट टाइम। तो आपको एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं नई गाड़ी परचेज कर रहा हूँ कल को कोई प्रॉब्लम आई तो? हाँ देखो वो मैं आपको बताता हूँ, मैंने इससे पहले मतलब कभी पहले कार मैंने परचेज़ नहीं करी है मेरी, जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट टाइम मेरी फर्स्ट कार है, और इससे पहले मैंने कार चलाई भी नहीं थी, वही मतलब 1-2 किलोमीटर चलाई थी अपनी लाइफ में, तो उससे पहले मैंने नहीं चलाई थी कार। वो ट्रेनिंग ली थी 15-20 दिन, वो नॉर्मली वो कुछ नहीं चलाते, वो तो दूसरा क्वेश्चन है। बट हाँ जो आपने जो आपका क्वेश्चन है उसी पर मैं दोबारा आ जाता हूँ कि रेनो की कार एज ए ट्रस्टेड ब्रांड आपको नहीं लगता, तो मैं उसकी अपनी जो मैंने रिसर्च करी थी तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने यही देखा था कि रेनो का इंडिया में क्या सीन है कि मतलब जैसे मैंने उसकी मैंने विजिट करा था टाटा का शोरूम विजिट करा था मैंने, और मैं गाज़ियाबाद में रहता हूँ वहाँ पे मल्टीपल शोरूम्स हैं, निसान के भी हैं, रेनो के 2-2 शोरूम आई थिंक और भी काफ़ी कंपनीज के शोरूम हैं वहाँ पे मैंने विजिट करा था। तो मैं अब फ्रेंकली बताऊँ तो निसान के शोरूम में मैं गया था तो मेरे को ऐसे ट्रीट किया गया था कि शायद ही कार लेगा भी या नहीं लेगा, तो मतलब ट्रीट उनका सही नहीं था। और जब मैं रेनो के शोरूम में गया था एक उनका फिनिशिंग देखने में, हाँ यार
एक मतलब लगता है इंटरनेशनल ब्रांड है। और जो टाटा में भी थोड़ा सा मेरे को कमी लगी कि वहाँ पे एक एक मतलब एटमॉस्फेयर, जो फर्स्ट टाइम कोई जाए तो फर्स्ट लुक वाला जो सीन था वो मेरे को रेनो में हर जगह दिखाई दिया। रेनो के मैं तीन शोरूम किया था, तीनों में मेरे को दिखाई दिया। निसान में मेरे को एक में भी नहीं दिखाई दिया ये सीन। और टाटा में मैंने विजिट करा था, वहाँ पे भी थोड़ा सा वो उनका ये था कि ये बंदा मतलब प्रोस्पेक्ट बायर्स है या नहीं है, उनको थोड़ा डाउट था, जो कि मैं खुद भी डाउट था कि मैं उस कार को लूँगा नहीं लूँगा, ऑल्दो ये मेरा मेन कंसर्न है। तो आपका कहना है कि रेनो की सर्विस की वजह से आपने ये कार चूज कर ली? हाँ एग्जैक्टली, जैसे अभी हम बात कर ही रहे हैं कि एग्जैक्टली ये पॉइंट तो है ही, बट ऊपर से ये भी है कि अब आजकल डिजिटल जमाना चल रहा है, पहले से कार देख ही लेते हैं कि हमारा वो कार पसंद आ जाती है, तो वो हम उसके टूवर्ड्स उसके लिए भी जाते हैं कि हाँ यार रेनो है तो उसके लिए ही हमें वही परचेज करनी है। तो वो भी शायद एज ए बायर ये भी हमारे माइंड में फील रहता है, तो वो सेम आई थिंक जो डीलर्स हैं वो भी हमें उसी तरीके से ट्रीट करते हैं आई थिंक। तो आप कहना चाहते हैं कि बाकी जो ब्रांड्स हैं उनको भी आपको उसी वे से ट्रीट करना चाहिए जैसे रेनो ने ट्रीट? हाँ जी हाँ जी, जो फर्स्ट इंप्रेशन चाहते हैं वो आप अच्छा चाहते हैं। हाँ ऑल्दो मैं खैर मैं भाई तो कारीगरी कर रहा था, ऑल्दो अगर मैं निसान के पास जा भी रहा हूँ एक उनसे कोटेशन पूछने, तो एटलीस्ट वहाँ पे जब कोटेशन पूछेंगे जो एक डिफरेंट जो फील है, मैं बाहर का मुझे नहीं पता, मैं गाज़ियाबाद में गया था, तीन शोरूम में मैं गया हूँ गाज़ियाबाद और नोएडा में, तो उन तीन यही फील हुआ कि जो एक रेनो का है और जो एक निसान का जो शोरूम का एक इन्वायरमेंट है वो उस टाइम पे डिफरेंट ही वाइब था। उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब मैंने परचेज करी थी, ऑल्दो उस टाइम पे मैग्नेट बहुत ज़्यादा हिट पे थी क्योंकि टाइगर नहीं थी, पंच नहीं थी, और मतलब अब तो और भी काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं कार, उस टाइम पर नहीं थी, तो उस टाइम पर मैग्नेट काफ़ी सेल हो रही थी, शायद इस वजह से उनको थोड़ा ईगोस्टिक माइंड सेट हो गया होगा डीलर्स का। उस टाइम पे ये था कि वो ढंग से डील नहीं कर रहे थे उस टाइम पे जब मैंने ये परचेज करी थी, वो लोग मुझे खरीदनी तो यही थी। आपने कहा कि आपने इसी कार पे सीखी है, ये पता चल रहा है ये क्या हुआ? ये एक्चुअली में ये सीखने की गलती नहीं है, इसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंट। तो हुआ क्या कि मैं मेरे को लगा कि मेरे को बहुत अच्छी चलानी आ गई है, तो मेरे जहाँ पे पार्किंग है उसके बराबर पिलर है, तो मैं सोच रहा था एकदम काट के वहीं पे खड़ी करूँगा। एक्चुअली में मैं ना इतना गैप छोड़ता हूँ, तो उस दिन शायद इतना भी नहीं छूटा तो वो लग गई। तो ये इनकी वाइफ है निधि, एंड कितना टाइम हो गया मतलब आपकी मैरिज को? 4 years हो गए एंड वी हैव बीन टुगेदर लाइक फॉर 6 years टू 7 years। ओके, अब मतलब 4 years मैरिज को हो गए हैं तो डेफिनेटली लाइक डिसलाइक सिमिलर हो ही जाती है, होती ही है। और इंडिया में भाई कोई कार लेने जाता है तो पूरी फैमिली लेती है, वो एक पर्सन अपने लिए कार नहीं लेता। तो आपका क्या ओपिनियन था ये कार चूज करते टाइम, आपने क्या सहयोग दिया इनको? एक्चुअली में जो हम फर्स्ट जो हम शोरूम में गए थे वो हम गए थे निसान की शोरूम, सो इन अ प्रोस्पेक्ट की जब मैंने वो पिक्चर्स देखी थी निसान की और टाइगर की मैंने पिक्चर, तो मैं आई वॉज लर्निंग टू निसान की मैग्नाइट मुझे थोड़ा लुक वाइज ज़्यादा अच्छा लगा था, एक काइंड ऑफ वाइब ऑफ एन ऑडी थोड़ा सा मुझे उसका जो ग्रिल वगैरह देख के मुझे वो लगा वैन। तो हम गए वहाँ पर पहली बार, हम गए एक कहते ना एक ब्लैक स्पेस पे जो है दो तीन गाड़ियाँ खड़ी हैं, 1-2 एम्प्लॉयज देयर ऑन द कॉर्नर, वी केम इन, रिसेप्शनिस्ट पूछा यस मैम व्हाट आर यू आर इंटरेस्टेड इन, मैं हमने कहा कि यू नो हम मैग्नाइट एक नई मूवी लॉन्च है वी आर इंटरेस्टेड इन दैट, तो वो नॉर्मल एक एम्प्लॉय का एक वाइब नहीं आया कि हाँ एक पोटेंशियल कस्टमर है, लेट देम बाय और नॉट बाय, बट जो भी होता है एक एज अ पर्सन आते हैं हम उन्हें एक ग्रीट करते हैं, यस मैम हाई यू नो यस मैम ये हमारी मूवी लॉन्च है, वुड यू लाइक टू यू नो गेट इन, यू वांट टू सी, लेट मी टेल यू द फीचर्स, उन्होंने ऐसा कुछ भी करा नहीं, हम वहाँ पर थोड़ा था कि यू नो जस्ट आप बैठिए यहाँ पे हम आ रहे हैं। ओके देन हमने क्या करा, हमने खुद ही एफर्ट लगा के हमने खुद देखा अरे भाई मैग्नाइट है क्या है क्या नहीं है, हम अंदर देखा हाँ ओके वी आर लाइकिंग इट, देन फिर वो लास्ट में एटलास्ट द सेल्स पर्सन केम इन, तो हम बैठे हमने कहा कि सर आप हमें थोड़ा प्राइस ब्रेकअप बताइए, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स हैं इसमें जो है आप हमें बताइए, तो उन्होंने बताया आप ना बुकिंग करना चाहते हैं हमारा इतना एडवांस है एंड इसकी ना वेटिंग बहुत लंबी है, हमने कहा कि ओके कोई बात नहीं वेटिंग है, तो ना अगर कोई चीज़ वर्थ इट है इंसान उसके लिए वेट करने को तैयार रहता है उसमें तो कोई बात नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, हमको थोड़ा सा मन सा नहीं करा, तो देन हमने क्या करा, हमने गाज़ियाबाद के हमने शोरूम में गए, इट वॉज अराउंड आई थिंक राजनगर का था के अराउंड का जो शोरूम था वहाँ पे गए, रेनॉल्ट वहाँ पे गए,
एक हम जब बोलते हैं ना वो ब्रांड का जो एक वो होता है कि एक स्टेटस जो है वो पता चल जाता है. यू नो एम्प्लॉय वेल ड्रेस्ड अप, दे आर वेलकमिंग द वॉर्म वेलकम की यस मैम प्लीज सर आइए देखिए हमारा हम फाइबर वर्क फुली डिस्प्ले वहाँ पे उनके कैप्चर है उनका क्विड है ये सब वहाँ पे प्रॉपर डिस्प्ले था. उन्होंने आके पूछा सर आपको क्या इसमें इंटरेस्टेड है. हमने हमने जो मेन था हमने वहाँ पे सबसे पहले रेड तो वहाँ पे था नहीं जो टॉप मॉडल है वहाँ पे मेन जो काइगर का मॉडल था जो वाइट में था द एंड ब्लू हमने ये दो कलर देखे थे काइगर. तो मुझे ज़्यादातर काइगर का क्या था कि मुझे उसका मस्कुलर लुक जो फ्रंट है एक्चुअली में इट काइंड ऑफ यू नो हैव अ क्वाइट अ सिमिलैरिटी विद द क्विड बट द क्विड के सामने उसका हल्का से क्विड ऑन स्टेरॉइड्स यू कैन से लाइक थोड़ा सा अच्छा सा एक हाइपर लुक आया तो मुझे थोड़ा सा ही अच्छा लगा. और एक्चुअली में क्या है कि उन लोगों ने थोड़ा सा सुपर इन्वॉल्व होके बताया था संजय नगर की जो ब्रांच है रिनॉल्ड हमने पूछा ये सब जो चीज़ें हैं कैसे कैसे प्राइसिंग है उन्होंने प्राइसिंग भी बताया. उन्होंने कहा कि आई थिंक 2 to 3 months का वेटिंग बताया यस अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 months का वेटिंग बताया उन्होंने. एंड वी वर लाइक ओके सबसे पहले जो हमने बुकिंग करी थी हमने करी थी टाइगर की जो है सिल्वर मॉडल की हमने करा बेस मॉडल दैट टू बेस मॉडल कुछ भी उसमें कुछ नहीं था उसमें कुछ भी नहीं था. हमने कहा कि चलो थोड़ा बहुत हमने देखा फिर एक्चुअली मेरे हस्बैंड इतने कंफ्यूज थे कलर के बारे में. ही वाज लाइक यू नो ग्रे है मोनोटोन सा लगेगा तो यू नो इट्स एवरीवन डज हैव इट थोड़ा डिफरेंट लेते हैं. सॉरी यार बीच में निकल आ गया था. हाँ मैं इसे टॉप कलर करने का क्या खड़ा होगा तो फिर सिल्वर से मेरे हस्बैंड आए ब्लू में. अब ब्लू में आ गए देन आई वाज लाइक स्केप्टिकल अबाउट ब्लू बिकॉज लेट मी टेल यू अगर का ब्लू रियली बहुत ही एक तरीके से ब्राइट एंड आई कैचिंग कलर है बट फिर समहाउ घर वाले ने कहा कि यू नो वो है ये है देन आई वाज लाइक मैंने कहा आई लव रेड मुझे रेड बहुत पसंद है पहले से ही यू नो एक फरारी तो नहीं है मगर चलो काइगर ही सही ठीक है. हमारे काइगर में आई वाज लाइक ओके देन हमें थोड़ा सा अपना बजट अप करना पड़ा थोड़ा सा हमें पुश करना पड़ा अपना बजट. फिर भी हमने इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली हमें जो ब्लू का कितना का पता था 8 का हो गया था अप्रॉक्सीमेटली वो आर एक्स टी था जो हमने ब्लू में हमने करा था. फिर आर एक्स टी से हम आर एक्स जेड में आए जी में एक्चुअली एंड इसमें हमने आप मेरी बातों में आते लाइक देन वी एट लास्ट के साथ जो शोरूम के साथ जो एक्सपीरियंस है वहाँ पे मैनेजर्स हैं वो टोटली इन्वॉल्व रहते हैं. और सबसे मुझे अच्छी बात क्या लगती है कोई कंप्लेंट होती है ना रेनॉल्ट तो एक होता है कि हमें बोलना पड़ता है चलो ठीक है हमने अपना एक इश्यूज है हमने फ़ोन करके उन्हें बताया कि दैट विल बी कमिंग टू योर शोरूम हमें ये इशू है. हम गए देखो हर शोरूम में थोड़ा वेटिंग है हमारी कोई से भी आप में जाइए थोड़ा समय लगता है क्योंकि हम प्री एग्जिस्टिंग कस्टमर होते हैं. तो फिर हमने वहाँ पे थोड़ा वेट करके वो जो भी इश्यूज हैं वो सॉल्व करते हैं. आफ्टर दैट इज़ दैट व्हाट दे डू टू योर कस्टमर दे गिव अ कॉल बैक सर आफ्टर सर्विस सर आपको कोई इशूज़ आए अभी आपकी कार्ड कैसे परफॉर्म कर तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी. That was actually very nice. कि हर कोई कस्टमर चाहे आप ये कार हो चलो क्योंकि कार के अलावा कोई और प्रोडक्ट है कोई और सर्विसेज है जिसमें आप इन्वॉल्व रहते हैं कोई ऐसा आई डोंट गेस कि मुझे अब तक इतने सारे प्रोडक्ट्स हमारी लाइफ में हम यूज़ करते हैं कि कोई कंपनी में हमें बाद में कॉल करके मैम यू नो आफ्टर सर्विस हाउ इज़ अवर प्रोडक्ट वर्किंग कोई नहीं पूछता. मगर रेनॉल्ट ने एक्चुअली हम पूछते कि सर अब कोई और फर्दर इशूज़ है तो आप प्लीज़ हमें दोबारा कॉल बैक कीजिएगा नो वरी अगर क्योंकि मुझे ये रेनॉल्ट बहुत अच्छी लगी. एंड एज कम्पेयर टू दी अदर ब्रांड्स टाटा एंड इसन आई डोंट थिंक कि एक्चुअली में क्या हुआ था कि जब हम मैग्नाइट देखने गए थे तो दे आस्क फॉर अवर फ़ोन नंबर ठीक है कि आप इंटरेस्टेड है तो हमने अपना फ़ोन नंबर शेयर करा था उनसे कि हम यहाँ से हैं और हमें मैग्नाइट में इंटरेस्ट है. एंड लेट मी टेल यू उन्होंने 1.5-2 हफ्ते बाद हमें फ़ोन करा था एक्चुअली में मैम आप तो इंटरेस्टेड थी आप हमारे शोरूम में आए थे मैंने कहा मैम इतने में तो आपका कस्टमर गया टू दी अदर ब्रांड तो ये बात नहीं. एक्चुअली में द थिंग इज दैट कि मेरी वाइफ को एक्चुअली में निशान
अभी भी कभी कभी पसंद आती है ना, आई डोंट नो व्हाई, बट कार तो मैक्सिमम मुझे ही चलानी है अभी, फील्स लाइक न्यू मुझे मुझे चलानी है, और वही है कि मुझे एक्चुअली में मैं थोड़ा मतलब ओपिनियटेड हूँ, मैं अपना ओपिनियन जाहिर ज़्यादा जबरदस्त तरीके से ज़्यादा पुश करता हूँ, तो मैं हूँ इस मामले में चूज़ ही होता, तो वही है कि मुझे ये ज़्यादा लुक पसंद था और मैं फॉलो कर रहा था, जैसे आपको बताया टाटा की HVX जो था, तो उसमें समाओ यही लुक आ रहा था कि हाँ स्लीक लेग्स हैं और स्लीक है थोड़ा, वो है ना एक मतलब बड़े ब्रांड्स की बात करें जिनका बहुत बढ़िया से बढ़िया डिज़ाइन होता है, ऑस्टन मार्टिन फरारी थोड़ा खूब SUV टाइप का डिज़ाइन है ना, थोड़ा समथिंग डिफरेंट इंडियन मार्केट में, तो उस हिसाब से दिस वन इज अ यू नो ऑसम चॉइस इन द टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। जस्ट बिकॉज ऑफ सर्विस आपने इसको चूज़ किया, मुझे लगता है कि किसी भी ब्रांड को ऐसे कस्टमर को ट्रीट नहीं करना चाहिए, दे शुड नॉट जज कि परचेज करने आए हो या फिर नहीं करने आए हो, हमारा ये है हमारा वो है, हमेशा एक कस्टमर को अच्छी तरह ट्रीट करना चाहिए, उसी की बहन आपने परचेज कर लिए जस्ट बिकॉज आपको अच्छी सर्विस मिली, वरना इनको मैग्नाइट ये कह रहे हैं कि आज भी ज़्यादा पसंद थी, क्या पता आप चूज़ कर ही लेते वो। हाँ कर ही लेते, अगर चूज़ कर लेते जैसे मैं बता ही रहा हूँ कि देन वी विल हैव टू कार्स, वन मैग्नाइट एंड वन टाइगर डेफिनेटली, इवन दो ये टॉप मॉडल है बेसिक हमारे बेस मॉडल होते दोनों के, बट होते दोनों, अगर वो जबरदस्ती हमें पुश करते जैसे कि इनको पसंद थी, अभी भी कभी कभी सोचते हैं निशान बढ़िया है, बट उस टाइम पे उस टाइम पे उन्होंने ठीक से दे डोंट हैव दैट मच ऑफ ट्रेनिंग माइट बी उस टाइम पे, या फिर उनका सेल्स ज्यादा चल रहा था मैग्नेट का, उस टाइम पे जून की बात है, जून की एक्चुअली हमने मार्च में हमने करा था, मार्च अप्रैल बुकिंग करी थी, उस टाइम ही हम अप्रॉक्सीमेटली हमने फरवरी मार्च में हमने स्टार्ट करा था, तो वी वर इंक्वायरिंग अबाउट दीज टू ब्रांड्स, तो अगर मैग्नेट थोड़ा ऑन टाइम पे, जैसे कि कोई भी कस्टमर आपको अपना फ़ोन नंबर देता है, देन दे आर लाइक ये पोटेंशियल कस्टमर है, दे गिव यू फ़ोन नंबर, दे गिव यू देयर टाइम एंड हम आए हैं आपके शोरूम, तो अगर वो थोड़ा बहुत हमें कॉल करते या थोड़ा सा हमें बताते, यू नो दे ट्राई देयर सेल्स पिच ऑन अस, देन माइट बी हम दोबारा इंटरेस्टेड होकर उनके शोरूम में जाते हैं, देन वी वुड हैव गिव सम बुकिंग अमाउंट फॉर यू नो फर्दर प्रोसेस, मगर ऐसा हो नहीं पाया, बट समटाइम्स आई लाइक कि हाँ मुझे निशान पसंद है, यू नो जस्ट तरीके से खड़ी होती है, मुझे अच्छी लगती है रोड पे, और एक्चुअली मैं काफ़ी दिखती भी है मैग्नेट, काफ़ी दिखती भी है, बट व्हेन आई लुक एट टाइगर ना, देन आई एम लाइक अच्छी ले ली देन मुझे जो सबसे अपनी जो गाड़ी है, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, मुझे इसकी अलॉय व्हील सबसे बेस्ट लगती है, ये डिज़ाइन सबसे ज़्यादा यूनिक है, एंड ऐसा जो डिज़ाइन है जिस पटलू का आया है ना इसमें, ये मुझे नहीं लगता किसी और गाड़ी में मैंने देखा है, एनी अदर पॉपुलर, इट्स अ क्वाइट डिफरेंट, इवन तो निसान के में भी वो जो है वो भी काफ़ी पॉपुलर सा ही डिज़ाइन है उसके जो अलॉय व्हील्स का, बट इसका जो अलॉय व्हील का डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा, एक्चुअली मुझे लगता है टाइगर के लुक्स अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, बट जो एक चीज़ मुझे लगता है काला धब्बा होता है ना हर चीज़ में, वो इसका ये लोगो लगता है मुझे लगता है इसको थोड़ा छोटा कर दो, थोड़ा प्यारा कर दो, इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे अभी मैडम बता ही रही है कि लोगो काफ़ी बड़ा है, तो उसी का मैं काउंटर बोलता हूँ कि हाँ बड़ा है, समहाउ इट लुक्स लाइक ए टाइगर, बट अगर हम टाइगर को भी देखें तो वो भी स्टैंड अलोन लगती है जब रोड पे चलती है, इट इज़ ट्रूली मिनी SUV, ट्रूली मिनी SUV, दूर से आप देखोगे आपको पता चल जाएगा हाँ एक SUV काइंड ऑफ कुछ चल के आ रहा है, वो अच्छा लगता है, तो सेम समहाउ इफ दैट थिंग डजंट कम अप एट दैट टाइम तो ये बहुत अच्छी लगती, और अभी भी देखो चाहने वाले होते हैं सबके अलग अलग, तो मुझे भी क्यूट की तरह लगती है, मेरे को भी दूर से कभी मैं 7 महीनों से टाइगर ऑन कर रहा हूँ, मेरे को दूर से क्यूट नजर आती है तो मेरे को दूर से लगता है टाइगर तो नहीं आ रही अभी भी मेरे को ऐसा फील आता है, या फिर अगर कोई टाइगर आ रही है मुझे तो नहीं लगता क्यूट आ रही है, सेम अगर मैं बात करूँ ना किया की, किया ना अपोजिट करा, किया लेके आई पहले सेल्टोस फिर देन सोनेट, अब देन वो अपनी छोटी गाड़ी लेके आ रही है, उन्होंने वो अपना उल्टा प्रोसेस चालू कर रहे हैं कि बड़ी कार आएगी वो सेम लगेगी चलते हुए, फिर छोटी कार आएगी वो बड़ी की तरह लगेगी, ना कि जैसे क्विड्स की अगर हम बात करें, क्विड आई पहले मार्केट में, देन आई तो डस्टर भी थी, बट उसका डस्टर का और क्विड का थोड़ा सा वो जो होता है ना फ्रंट व्यू वो डिफरेंट था, बट अगर मैं उसकी किया की बात करूँ उनका तो सेम ही है, वो पहले बड़ी कार लेके आए तो छोटी कार भी बड़ी लगती है, इवन दो दे आर हैविंग ए हैचबैक इन द फ्यूचर तो वो भी ऐसी लगेगी जैसे सेल्टोस आ रही हो मार्केट में, तो उनका तो प्रोसेस अलग ही है ना, वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है कि वो जब भी वर्ल्ड वाइड आई थिंक
मतलब इमर्जिंग मार्केट्स में, तो वो इमर्जिंग और डेवलप्ड कंट्रीज में भी नंबर वन चल रही है किया, तो किया का अलग है। बट हाँ देखो, रेनो है, फ्रेंच ब्रांड है, और ये भी है कि हाँ सर्विस मेरे को तो सही लगी साथ में। अभी आपको 6-7 महीने इसको ऑन करते हुए हो गए हैं, तो कितनी चला ली है इसको आपने लगभग? ये मैंने अभी ज़्यादा तो चला ही नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा ड्राइव इसलिए नहीं करता कि अभी ज़्यादा आती नहीं है। तो अभी ये 3600 किलोमीटर चल गई है। ओके, तो इतना चलाया तो माइलेज का भी आइडिया हो गया होगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, माइलेज का पूरा आइडिया हो गया मुझे। तो अभी जैसे मैं आया हूँ गाज़ियाबाद से यहाँ पर, तो अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर मैंने चलाई है, 50 किलोमीटर। तो उसमें आपको शायद यकीन नहीं आएगा, बट इट इज़ गिविंग मी 20 किलोमीटर, मतलब पूरा एवरेज मेरे को 20 का मिला वहाँ से यहाँ पर आने के लिए। ऑल दो मैंने इसको चलाई माइलेज के लिए, वहाँ से यहाँ पर आने के लिए पूरा मैं देखता रहा था, मतलब ज़्यादा रेट सुना दूँगा, जिसको बोलते हैं ना लाइट फुट चलाना, तो मैं लाइट फुट ही चला के आऊँ। हाफ रास्ता तो पूरा हाईवे का था, और हाफ रास्ते तुम्हें पता है दिल्ली में, तो सिटी में कितना दे देती है सिटी में? मतलब अभी जिस मतलब डिपेंड करता है ना पीक आवर्स पे और नॉट पीक आवर्स पे। पीक आवर्स पे तो 11-12 आई थिंक, अगर कोई जहाँ पे वर्किंग एरिया है, वरना अगर नॉर्मल जैसे इस टाइम की अगर हम बात करें तो 16-17 15-16-17। अभी आपने इसका नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन चूज़ किया, टर्बो क्यों नहीं चूज़ किया इसका? ये वाला इंजन तो काफ़ी अंडर पावर्ड लगता है मुझे। हाँ सेम, अगर मैं आपको थॉट्स बताऊँ तो एज ए न्यू बायर्स, और मैं और मेरे साथ साथ आई थिंक जो मैं रिकॉर्ड्स पढ़ता हूँ, 60% ऑफ ए बायर्स हैविंग ए न्यू कार, दे आर ए फर्स्ट टाइम बायर्स। तो अगर फर्स्ट टाइम बायर्स हैं वो कार के, तो आई थिंक कि काफ़ी लोगों को चलानी पहले नहीं आती होगी प्रॉपर। तो मेरे को तो लगता नहीं कि जब मैंने पहले कोई कार चलाई होगी, जब ही तो मुझे दूसरी की अंडर पावर पता चलेगा ना। तो मेरे लिए तो अंडर पावर का कोई सीन ही नहीं है। लेट मी हेल्प यू, मैं कार में पीछे बैठा हूँ, है ना, मैं कार में साइड में बैठा हूँ, और मैं बचपन से ही ट्रैवल का शौक रखा है, मेरे फादर ने भी, मैंने भी, हम बचपन से बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करी है। तो उस हिसाब से तो देखो, मैंने अपने ब्रदर लोग को, मैंने अपने जियाजी को टेस्ट ड्राइव करवाई थी कि कैसे चल रहा था, लाइक कि ठीक है, बट नॉट लाइक कि मारुति, है ना, और जिसको मैं बोलूँ तो नॉट लाइक दैट ब्रांड। तो That is a bit awkward scene. हाँ, तो but मेरे को देखो, मेरे को तो looking, मैं तो looking पे जाता हूँ हमेशा, है ना, और मैं मैं software engineer हूँ, अभी मैं थोड़ा सा coding वगैरह करता हूँ, उससे पहले मैं designer था। तो design के मैं देखूँ तो एक design बनाना और वो design actually में implement करना मुझे पता है कितना hard process होता है। although मैं automobile का designer नहीं था, मैं थोड़ा UI designer ही था, तो मुझे पता है कितना टफ होता है डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करना। तो आई रियली अप्रिशिएटेड रेनो की उन्होंने इतना अच्छा डिज़ाइन दिया। अच्छा, आपने इसको मतलब लॉन्ग जर्नी पे तो कहीं लेके गए नहीं होगे ना? हाँ, मैं इतना लॉन्ग जर्नी मैंने नहीं करी, बट मैं दो बार इसको, एक बार मैं लेके गया था यहाँ पे वृंदावन पड़ता है एक्सप्रेस वे, तो वहाँ पे आई थिंक 220 किलोमीटर का था वन वे, और दोनों तरफ से कोई 400-450 किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस बैठा था। तो ठीक है, हाँ वो गया था। और एक बार मैं अपने फ्रेंड की शादी में गया था, वहाँ पे आई थिंक 700-800 किलोमीटर बैठा था आने जाने के लिए। तो बस मैंने ये दो लॉन्ग ट्रिप करी हैं, इतनी लॉन्ग ट्रिप तो नहीं है, बट मेरे लिए अभी न्यू बायर के लिए तो बहुत, न्यू ड्राइवर के लिए एक्चुअली बहुत बड़ी ये बात है। हाईवे पे आपको फील नहीं होता कि कार अंडर पावर्ड है, आपको प्रेशर लगाना पड़ रहा है इसको, मतलब ओवरटेक करने के लिए या आगे ले जाने के लिए? वो मेरे को एक्चुअली में फील, मैं आपको बताऊँ तो जहाँ पे जो हमारे हाईवेज हैं, जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे एक्चुअली में कैमरे भी लगे हुए हैं। तो 100-100 घुमाया आपने और आपको पता नहीं है कि कहाँ पे कैमरा है, तो आप फंसे। इवन दो मेरे को भी, अभी मैं दिल्ली में आ रहा था, अभी मेरे पास तो टाइगर एक खड़ी कर रखी थी साइड में, अगर मैं रैश ड्राइविंग कर रहा हूँ तो वहाँ पे मेरे को पकड़ के। रैश ड्राइविंग मैं नहीं कह रही हूँ। हाँ, 100-100 तो खैर वो अंडर पावर मेरे को फील नहीं होता, क्योंकि मैं एक सेंसिबल, हाँ मैं ना थोड़ा सा, मेरे को भी एकदम सडन ब्रेकिंग लगाना मेरे को वैसे ही पसंद नहीं है, कि मेरे को पता है सामने ट्रैफिक लगना है, मैं मेरे को पता है मेरे पीछे भी कोई आ रहा है, मैं तो अपने अंडर, मेरी गाड़ी तो पावर है, पीछे की गाड़ी पावर है नहीं है, या फिर पीछे की गाड़ी में इतने अच्छे ब्रेक हैं या नहीं है। मैं थोड़ा सेंसिबल ड्राइविंग करता हूँ, इवन तो मैं बाइक ज़्यादा चलाता हूँ, तो मैं उसको भी ऐसे चलाता हूँ कि हाँ, मेरे पास एक्चुअली में मेरे पास बजाज की एवेंजर है, उसके बहुत छोटे वो हैंडल है, तो वो इजीली कहीं से नहीं निकल जाती, जैसे और जो होते हैं ना राइडर जो टू व्हीलर्स राइड करते हैं, वो कहीं से भी निकाल देते हैं, तो वो मेरे पास नहीं है, वो मेरी सोच नहीं है कि मैं कहीं से भी निकाल लूँ या फिर मैं कहीं से पावर दे के चलाऊँ। तो
करता हूँ, मैं थोड़ा सेंसिबल ड्राइविंग करता हूँ। तो उस हिसाब से वैसे भी अगर आप क्वेश्चन पूछे, उसमें तीन मोड हैं। एक इसमें आपका इको मोड आ जाता है, एक नॉर्मल आ जाता है, और एक इसमें सुपर मोड आ जाता है, स्पोर्ट्स मोड आ जाता है। तो मैंने तो अभी इसको 99% आप बोलो तो मैंने तो हमेशा इसको इको में ही चलाया है। तो मेरा भी यही प्रोसेस है कि मैं इसको 15 साल जब तक ये पेट्रोल इंजन लिमिटेड है गवर्नमेंट की उससे कि जब तक ये कागजों में रहेगी गाड़ी, तो जब तक मुझे ऑन करनी है। तो मैं इसलिए इसको चलाता हूँ इको मोड में कि अच्छा मैं अभी इसको 2-3 साल तो इको में चलाऊंगा, फिर धीरे धीरे नॉर्मल पे आऊंगा, फिर स्पोर्ट्स पे आऊंगा। तो एक मतलब फीलिंग दूसरी आ जाती है कि हाँ भाई थोड़ा दूसरा इंजन चला रहे हो। 9.5 लाख रुपये आपने इस पर पे की है ना, तो इतना स्पेंड करने के बाद डू यू फील कि इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ हुआ है, जो फिट एंड फिनिश है, जो कैबिन क्वालिटी है, वो आपको लगता है कितनी वर्दी है? मैम मैं सीरियसली बताऊँ तो ये क्वेश्चन मेरे को पहले भी अराइज हुए थे जब मैं कार में परचेज कर रहा था, उससे पहले भी आई डू नो यहाँ पे केबिन की सब कहते हैं, यहाँ पे गैप्स हैं ना, ये मुझे पता है। बट अभी जैसे हम 21st सेंचुरी में हैं और अभी 15 साल के लिए कार भी अलाउड है, ऐसा तो है नहीं कि हम मेरे पड़पोते नहीं रहेगा। अब तो 15 साल लिमिट रहती है कार की, फिर वो स्क्रैप भी होनी है कार। तो आई डोंट थिंक कि अब ब्रांड भी उसी टाइप से हो चुके हैं कि वो पहले प्रोडक्ट निकालते हैं, उसके बाद फीडबैक पे काम करते हैं, फिर उसको रीलॉन्च करते हैं। तो पहला टाइगर का पहला वो है। मेरा पूछने का मतलब है कि आपको ये परचेज करते टाइम ऐसा फील नहीं हुआ? सेम चीज़ मैंने दूसरे ब्रांडों में भी देखी थी। आप कोई भी ब्रांड उठा के देख लो, अगर आप उसको डीपली में चले जाओ तो सब में आपको नुक्स मिलेंगे। आप नुक्स निकालना चाहते हो नुक्स निकाल सकते हो, या फिर आप उसकी ग्रेटनेस देखना चाहते हो तो आप उसकी ग्रेटनेस भी देख सकते हो। तो वो तो मतलब देखने वालों के ऊपर डिपेंड करता है। वो तो देखो कार तो सभी बनाते हैं, सभी चाहते हैं कि हाँ भाई उनकी कार सेल हो, उनका मतलब उनका प्रॉफिट बने। बट हाँ मतलब जो मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि कार तो मतलब रेनो कार मैं चला रहा हूँ पिछले 7 महीनों से, तो मैंने 3600-3700 किलोमीटर चला लिया है इसको, तो ठीक है। और उस हिसाब से फिट एंड फिनिश भी मुझे सही लगती है। और बस हाँ एक दो चीज़ें मुझे लगती है कभी कभी, अगर मैं डीपली देखूँ उनको तो डीपली देखता हूँ तो जब मेरे को इशू आता है, और जैसे मैंने बताया अभी 3600-3700 किलोमीटर मैंने चलाई है इसको, तो ज़्यादा मैं ध्यान दिया नहीं मैंने इन चीज़ों पर, और शायद मैं दे भी नहीं पाता इन पे ज़्यादा ध्यान। तो अभी तक तो मेरे को ऐसी फीलिंग आई नहीं है। आपका क्या ओपिनियन है? मेरा जो ओपिनियन है अगर थोड़ा बहुत तो मतलब एक हल्का सा एक आई कैन सी दैट अराउंड थोड़ा सा तो गैप आता है, बट आई गेस जब आप नॉर्मल बैठोगे ना इट्स नेग्लिजिबल। आप कुछ किसी चीज़ पर अगर आपको नेगेटिविटी पर फोकस करोगे तो बढ़ के दिखाई देगी, है ना। तो ये 1 टाइम 2 टाइम तो हमें फील हुआ था, देन वी आर लाइक यूज टू इट, तो हमें नॉर्मल लगा। एंड रही बात मुझे अगर इसकी बाकी इसके जो एसी वेंट्स वगैरह हैं दे आर यू नो दे आर दे वर्क प्रॉपरली, ऐसे कोई इश्यूज नहीं है। ऐसे हम ओपन क्लोज करने में हल्का सा एक यू नो लाइटली लूज सा एक फील आती है, उसके अलावा ये बिल्कुल ठीक है। दे होल्ड द प्रोडक्ट्स प्रॉपरली, स्पेसिंग भी ठीक है, उसके अंदर और प्रोडक्ट्स हम रखते हैं, पानी की बोतल हो गई, बच्चों की चीज़ें होगी रखते हैं, तो प्रॉपर हम रख पाते हैं। और जो इसके नीचे जो है वो कूल बॉक्स आई गेस दैट्स ऑल्सो लुकिंग फाइन। जब आप एसी फुल आप मोड पे रखोगे, कोई कूलिंग करने के लिए आपको पानी की बोतल रखनी, तो वो सब भी एक यू नो थोड़ा सा कूलर हो जाता है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कोई मुझे इश्यूज़ नहीं लगी। हाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो चीज़ है जो यहाँ पर आती है, ये actually, मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक्चुअली में ये हुआ था ख़राब, अब ये ख़राब हो गया था एक्चुअली, इसका बिल्कुल ड्रूप हो गया था। तो हम गए थे सर्विस सेंटर पे इसके रिगार्डिंग इश्यूज़ के लिए, तो उन्होंने विदाउट एनी क्वेश्चन आस्क्ड दे वर लाइक अच्छा ये इश्यूज़ आ गए हमारी तरफ से विद ज़ीरो कॉस्ट। उन्होंने ये पूरा आई थिंक ये पूरा हटा के ये जो प्लास्टिक का है जो पूरा पार्ट है मेनली इसमें ये अटैच है ये वाली चीज़। तो ये हुआ क्या था आई डोंट नो, ये अभी भी ख़राब हो सकता है, ये जो है स्लाइडर जो है ये ख़राब हो सकता है। अगर मैं इस पर हल्का सा वजन रख दूँ यहाँ पे कुछ भी हल्का सा तो नहीं मे बी